गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई डी पी शुक्ला विथ अ न्यू वीडियो रिलेटेड टू दी सम रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस, आई होप सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स। तो आइए और देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज, अब देखिए इसमें कई ऑप्शंस हैं, फोर ऑप्शंस हमने दिए हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, नॉन लिविंग प्रोसेस, डेड प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस है? अब वास्तव में लिविंग में होता है तो नॉन लिविंग और डेड तो हो ही नहीं सकता, ठीक। अब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस में दो में से एक है, जिसमें से कैटाबॉलिक से मास कम होता है, रिड्यूस होता है, और एनाबॉलिक से मास बढ़ता है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस से मास बढ़ता है, बॉडी वेट बढ़ता है, एक कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म, एक इसमें कैटाबॉलिक, दूसरा एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में बॉडी वेट रिड्यूस होता है और एनाबॉलिज्म में बॉडी वेट बढ़ता है, एक बात। दूसरी बात, इसको और भी कई प्रोसेस कहते हैं, जैसे ये है बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तीसरा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। लाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, कदाप नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इतने नाम, दो तीन नाम और भी आप ध्यान रखोगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? नॉट रिक्वायर्ड, क्या नहीं चाहिए? तो वाटर नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, चाहिए, क्योंकि 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही तो होता है, तो इसमें वाटर चाहिए। दूसरा, सनलाइट चाहिए, बिना सनलाइट के हो ही नहीं सकता। तीसरा, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, बिना क्लोरोप्लास्ट के लाइट कौन पकड़ेगा? ग्लूकोज, तो ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज होगा तब भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, नहीं होगा तो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें कौन सा होगा? ग्लूकोज, ये वाला, ठीक है ना, इसको आप लोग देखिए। ये पहले वाले में एनाबॉलिक प्रोसेस, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फोटोसिंथेसिस नेवर हेल्प्स अस, किसमें हेल्प नहीं करता फोटोसिंथेसिस? देखिए इसमें, टू मेंटेन ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, टू ऑब्टेन फूड, टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एंड टू गेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। तो नेवर हेल्प्स इन, ऑक्सीजन मेंटेन करता है, ऑक्सीजन देता है, फोटोसिंथेसिस से निकलती है ना ऑक्सीजन, तो इससे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मेंटेन होती है, फूड भी ऑब्टेन होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाती है। नो गेन टू गेन नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, इसके लिए उपयोगी नहीं होता फोटोसिंथेसिस, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रेनम में प्रेजेंट होता है, माइटोकांड्रिया में प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, नन ऑफ द अबव। ये है डायग्राम क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें से क्लोरोफिल इसी के अंदर पाया जाता है, तो इसको ग्रेनम भी कह देते हैं। एक अगर होगा तो उसको हम थैलेक्वाइड भी कह देंगे, ग्रेनम पूरे ग्रुप को कहा जाता है, एक को थैलेक्वाइड कहा जाता है, एक सिक्के को, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा लैमिली होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल इन जगहों पर प्रेजेंट रहता है, समझ में आया? तो आप इसमें से कोई भी एक जगह हो आपके विकल्प में तो उसको लगा दीजिएगा, और अगर कोई नहीं है फिर लिखा हुआ इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट तो वहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रेनम, ठीक है, स्ट्रोमा में नहीं पाया जाता। अगर ग्रेनम और स्ट्रोमा है तब ग्रेनम ही होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ कोई इसमें से ना हो, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, इस तरह से कोई विकल्प हो, तब फिर वहां पर लगा दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। इन एन आइसोबायलेटरल लीफ,
अब आइसोबायलेटरल लीफ की प्रॉपर्टीज के विषय में, मोर क्लोरोफिल ऑन द अपर सरफेस, देखें फिर है मोर क्लोरोफिल ऑन द लोअर सरफेस, मोर स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस, लेस स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस। तो क्या होगा इसमें भाई, देखने तो इसमें क्या होगा, इन एन आइसोबायलेटरल लीफ, देखें इन एन आइसोबायलेटरल लीफ, ये इन एन आइसोबायलेटरल लीफ मोर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, अपर सरफेस पर ज़्यादा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आइसोबायलेटरल का अगर टीएस काट करके आप देखोगे, ये देखिए आइसोबायलेटरल लीफ का टीएस है, तो इसमें क्या होता है, अपर एपिडर्मिस अपर सरफेस पर मेसोफिल सेल्स कही ही जाती हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा होगा इससे, ठीक है, समझ में आया ना। जबकि लोअर सरफेस को स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं, और इसमें लोअर सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा होता है, अपर सरफेस में या तो नहीं होता या बहुत कम होता है, दोनों चीज़ें, ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन एन आइसोबायलेटरल लीफ मोर क्लोरोफिल ऑन अपर सरफेस, ठीक है, लोअर सरफेस पर कम क्लोरोफिल होता है, स्टोमेटा भी लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अपर सरफेस पर कम होते हैं, तो उल्टा दिया हुआ है विकल्प में, देखिए मोर स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस गलत है, लेस स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस ये भी गलत है, होना है जो मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस, लेस स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेम द प्लांट विच कैन डू फोटोसिंथेसिस इवन इन द हॉट सनी डेज इन द नून, तो गर्मी की दोपहरी में C4 प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन से हैं C4 प्लांट्स, अभी आगे बताऊंगा इसी में, लेकिन फिलहाल के लिए भी इतना जानो C4 प्लांट, इसमें कौन सा आता है C4 प्लांट, पहचानो आप लोग, शुगर केन, पीपल, नीम और हिबिस्कस। तो इसमें क्या हो जाएगा, C4 प्लांट शुगर केन होता है, कौन सा होता है शुगर केन, न तो पीपल होता है, न नीम होता है, न हिबिस्कस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ पर पाया जाता है फोटोसिंथेसिस, कहाँ पर पाया जाता है, तो ग्रीन प्लांट पार्ट, रेड डॉग स्पॉटेड प्लांट पार्ट, वाइट प्लांट पार्ट, कलर्ड प्लांट पार्ट, तो वास्तव में ग्रीन प्लांट पार्ट में पाया जाएगा, कहाँ ग्रीन प्लांट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखें इन मैंगो ट्री स्टोमेटा रीओपन्स आफ्टर, नेम दी सेल्स विच ओपन एंड क्लोजेज दी स्टोमेटा, कौन सा होता है, देखिए मेसोफिल सेल्स होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स होती हैं, जाइलम सेल्स, तो कौन सा होगा इसमें, इसमें सीधा सीधा हो जाएगा विच ओपन्स एंड क्लोज, तो गार्ड सेल होगा, कौन सी होगी गार्ड सेल, गार्ड सेल से ही स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है। ये है गार्ड सेल का स्ट्रक्चर, देखिए ये दोनों गार्ड सेल है जिससे ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा, ठीक है ना, तो किसी भी सेल में गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, काहे के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इस तरह के और भी वीडियोज आपको मिलेंगे जिसमें कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको भेजेंगे पूरे 1 महीने 15 दिन तक, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।